नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट रवा इडली। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी रवा यानी कि सूजी, आधा कटोरी दही, कद्दूकस किया हुआ गाजर, थोड़े से कड़ी पत्ते, आधा चम्मच राई, दो चुटकी हींग, एक चौथाई चम्मच नमक, आधा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट और एक चम्मच देसी घी। सबसे पहले हम पैन में घी डाल के उसे गर्म हो जाने देंगे। घी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें राई डाल लेंगे। राई के तिड़कने के बाद हम उसमें डालेंगे हींग और कड़ी पत्ता। फिर उसमें ऐड करेंगे सूजी और उसे अच्छे से भून लेंगे। अगर आप भुनी हुई सूजी ले रहे हैं तो आप सूजी को भूनने के प्रोसेस को स्किप कर दीजिए। जब सूजी ठीक से भून जाती है तो उसमें से खुशबू आने लगती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ये देखिए, हमारी सूजी अब भून के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। बोल में ट्रांसफर करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे दही और इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 20 से 25 मिनट हो जाने के बाद हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर और नमक। दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। फिर हम ऑयल या घी से अपनी इडली की प्लेट्स को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इस बैटर में हम फ्रूट सॉल्ट ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम बैटर को इडली की प्लेट में डाल लेंगे। अब हम 8 से 10 मिनट के लिए इडली को स्टीम होने के लिए रख देंगे। 8 से 10 मिनट के बाद हमारी इडली पक के तैयार हो चुकी है। ये चेक करने के लिए कि इडली पकी है कि नहीं, आप चाकू या टूथपिक को इडली के अंदर डाल के देख लें। अगर वो क्लीन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इडली पक चुकी है। इडली को मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। ये देखिए, हमारी इडली कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। आप इस इडली को सांभर या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर हमारा ये वीडियो आपके काम आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।